सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में सोमवार 10 सितंबर को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के मुताबिक इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए 20 राजनीतिक दलों का उसे समर्थन प्राप्त है। पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों से भी भारत बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन देने की अपील की है। कांग्रेस के मुताबिक ये भारत बंद सुबह 10 बजे से दिन में 3 बजे तक होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश भर में भारत बंद को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। कई इलाकों में आगजनी की खबरें आई हैं और इसके अलावा बस और ट्रेन रोकने की भी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बस पर पथराव किया गया है, वहीं गुजरात के भरूच में आगजनी की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पुणे में कई बसों में पत्थरबाजी की है। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में कुछ उपद्रवियों ने एक प्राइवेट बस पर पत्थर फेंके। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में भी विपक्ष के भारत बंद का असर सुबह से ही है। केरल में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा। राज्य में अधिकतर जगह दुकानें बंद हैं। इसके अलावा भी राज्य की बस सर्विस भी पूरी तरह से ठप है। भारत बंद के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।